सोशल डिस्टेंस इसलिए नहीं मेंटेन हो रहा है, एक्चुअली ऑनलाइन जो है वो उसको 15 से 20 दिन लग जा रहे हैं, और उस वो भी कंप्लीट हमें पक्का नहीं है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो पक्का नहीं, अभी तक मिल नहीं रहा, अप्लाई किया 15 दिन से नहीं आया है। इधर ये है कि इधर हफ्ते के बाद आपको डोमिसाइल मिल जाएगा। सर सबसे पहले होता है कि जान से प्यारी कोई चीज़ नहीं होती है, जान से ऊपर कुछ नहीं है, तो इसलिए मैं यही कहना चाहता, अभी आप देख लो खुद कैसे ये सोशल डिस्टेंसिंग है, सोशल डिस्टेंस पॉसिबल नहीं है इस तरीके से। अगर ऑनलाइन जल्दी मिल जाता 2-3 दिनों में तो सोशल डिस्टेंस ऑटोमेटिकली बन जाता। बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि अभी देखो, अभी आप खुद इधर देख सकते हो कि है सोशल डिस्टेंस। सर ऑनलाइन तो नहीं बन रहा है बिल्कुल भी, और सोशल डिस्टेंसिंग का बोला जाए तो कुछ लोग पालन कर रहे थे, लेकिन उसका मतलब पालन नहीं करने का रीजन ये है कि बहुत सारे लोग लेट आ रहे हैं, वो बीच में घुस जा रहे हैं। अब हम सोशल डिस्टेंसिंग में 2 मीटर के डिस्टेंस में खड़े हो रहे हैं, लोग बीच में घुस रहे हैं, इस वजह से लोग कंजेस्टेड खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पे कोई ऑफिशियल नहीं है जो बोल रहा है कि पीछे से आके आप आगे क्यों खड़े हो रहे हैं, इस वजह से ये सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन इसको लेकर अगर बात करें प्रशासन की, तो साफ तौर पर कहा था कि ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑनलाइन भी बनेगा, लेकिन अगर ऑनलाइन बनना है तो उसके चलते अगर देखें तो जगह जगह अगर बात करें तहसील ऑफिस की, तो भारी भरकम रश पड़ा हुआ है, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। मैं इस वक्त सांबा के तहसील ऑफिस में मौजूद हूँ, और यहाँ पर पीछे आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि आप खुद देखिए कि कहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है। और अगर प्रशासन की बात करें तो जो दावा प्रशासन ने किया था कि ये जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो ऑनलाइन बनेंगे, लेकिन ऑनलाइन के बाद भी इतना रश यहाँ पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से कहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है। और यहाँ पर अगर बात करें तो सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए कोई पुलिस का यहाँ पर जवान भी तैनात नहीं है, यानी प्रशासन यूँ तो बड़े बड़े दावे कर रहा है कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए हर तरह के संभव प्रयास किए जा रहे हैं कि इसको ख़त्म किया जाए किसी तरीके से, और सोशल डिस्टेंसिंग का सबसे बड़ा दावा जो लगातार प्रशासन करता भी आया है, लेकिन यहाँ पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किसी तरह की कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रही। और मैं यहाँ कुछ लोगों से ये भी जानने का प्रयास करूँगा कि जो कहा जा रहा है कि ऑनलाइन सर्टिफिकेट बनेगा, तो अगर ऑनलाइन बन रहा है तो आखिर क्यों रश इतना ज़्यादा पड़ रहा है तहसील ऑफिस में? क्या नाम है आपका? मेरा नाम विवेक अत्री। ऑनलाइन ये कहा गया था कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑनलाइन बनेगा, लेकिन उसके बावजूद भी आप यहाँ पर आए हैं, धूप में खड़े हैं, कोई सोशल डिस्टेंसिंग भी अब यहाँ पर नहीं हो रही है, क्या कहना चाहते हैं? क्या आपको लग रहा है कि ऑनलाइन बन रहा है या नहीं बन रहा? सर ऑनलाइन तो नहीं बन रहा है बिल्कुल भी, और सोशल डिस्टेंसिंग का बोला जाए तो कुछ लोग पालन कर रहे थे, लेकिन उसका मतलब पालन नहीं करने का रीज़न ये है कि बहुत सारे लोग लेट आ रहे हैं, वो बीच में घुस जा रहे हैं। अब हम सोशल डिस्टेंसिंग में 2 मीटर के डिस्टेंस में खड़े हो रहे हैं, लोग बीच में घुस रहे हैं, इस वजह से लोग कंजेस्टेड खड़े हो रहे हैं। यहाँ पे कोई ऑफिशियल नहीं है जो बोल रहा है कि पीछे से आके आप आगे क्यों खड़े हो रहे हैं, इस वजह से ये सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बिल्कुल नहीं हो पा रहा। यहाँ पर कोई भी पुलिस का जवान तैनात नहीं है जो मेंटेन करवाए यहाँ पर सोशल डिस्टेंस? नहीं बिल्कुल नहीं है सर। तो क्या जो प्रशासन ने दावा किया है ऑनलाइन सर्टिफिकेट बन रहे हैं, तो उसको लेकर भी कई सारी कंप्लेंट्स आ रही है कि ऑनलाइन जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड नहीं माना जा रहा जब तक उसके ऊपर स्टैंप या साइन नहीं हो रहे तहसीलदार के? बिल्कुल सर बिल्कुल, जब तक स्टैंप नहीं होगी तो वो वैलिड होगा कैसे? तो ऑनलाइन का तो कोई मतलब ही नहीं बनता इस पे। तो उन्होंने काफ़ी गलत किया है, वैसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट मांगे हुए हैं, आपको तो सिर्फ स्टेट सब्जेक्ट मांगना चाहिए क्योंकि वो भी एक गवर्नमेंट की तरफ से ऑथोराइज हुआ ना, सिर्फ स्टेट सब्जेक्ट के ऊपर आपको सब कुछ बनाना चाहिए, और इवन कि आपको एक एक बंदा भेजना चाहिए डोर टू डोर, वार्ड में वार्ड के हिसाब से आपको अलॉट करना चाहिए उनको, तो सोशल डिस्टेंसिंग का तो तभी पालन हो पाएगा जी सर। लेकिन क्यों स्टैंप को वैलिड नहीं कहा जा रहा है? वो कह रहे हैं कि जो ऑनलाइन है ये हम वैलिड नहीं मानेंगे, जब ऑनलाइन कहा गया है तो उसके बावजूद भी वो वैलिड नहीं मान रहे प्रशासनिक अधिकारी? सर ये तो फिर गवर्नमेंट की नाकामयाबी है ना, इसमें हम लोग कुछ नहीं बोल सकते, कुछ नहीं बोल सकते। मेरे साथ यहाँ पर कुछ और युवा, उनसे भी जानेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम वासु खजूरी है। आप अगर यहाँ पर सर्टिफिकेट बनाने के लिए आए हैं तो जो ऑनलाइन कहा गया था कि ऑनलाइन सर्टिफिकेट बनेगा वो नहीं बन पा रहा, और ऊपर से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है यहाँ पर? सर एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि सोशल डिस्टेंस इसलिए नहीं मेंटेन हो रहा है, एक्चुअली ऑनलाइन जो है वो उसको 15 से 20 दिन लग जा रहे हैं, और उस वो भी कंप्लीट हमें पक्का नहीं है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो पक्का नहीं, अभी तक मिल नहीं रहा, अप्लाई किया 15 दिन से नहीं आया है। इधर ये है कि इधर हफ्ते के बाद आपको डोमिसाइल मिल जाएगा,
तो इसलिए सारे लोग चाहते हैं कि जैसे आपको पता अभी फोर्थ क्लास की जॉब्स निकली हुई हैं, अभी AICTE के फॉर्म निकले हैं, उसके लिए सभी बच्चों को इनकम सर्टिफिकेट चाहिए। वो इनकम वाले भी आ रहे हैं इधर, अभी फोर्थ क्लास की जॉब है, डोमिसाइल भी अप्लाई कर रहे हैं, तो फिर कैसे सोशल डिस्टेंस मेंटेन होगा? तो COVID-19 जो इतना बड़ा पैंडेमिक चल रहा है हमारे देश में, सारी दुनिया कह रही है कि सोशल डिस्टेंस बनाए रखें, मास्क डालें, सैनिटाइज करें अपने आप को, लेकिन कैसे मेंटेन होगा जी? अब जो हर बंदा चाहता है कि हमारा सबसे पहले डोमिसाइल बने, तो ये जो ऑनलाइन का दावा था उस पर ये भी कहा जा रहा है कि वो सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होगा जब तक उस पर स्टैंप और सिग्नेचर नहीं होंगे। सर मिले तो सही, फिर ही स्टैंप स्टूप होगी, उसमें मिलता ही नहीं है। वो कहते हैं आपका एक्चुअली इन्होंने क्या पता किया कि हुआ है, जैसे अभी मेरे आधार कार्ड पे है वार्ड नंबर 8, आपको पता होगा जैसे अभी म्यूनसिपल कमेटी की इलेक्शन हुई थी तो हमारे वार्ड्स चेंज हुए थे, हमारा वार्ड 7 हो गया था। अब मैं कोई डॉक्यूमेंट्स लगाऊंगा 8 का, तो जो 7 वाला होगा वो कहेंगे ये नहीं है, ये कैंसिल हो गया, ये आपके वार्ड गलत है, आपका एड्रेस गलत है, तो ये इशू थोड़ी होता है ये। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग जो प्रशासन लगातार दावा कर रहा था, क्या यहाँ पर जिम्मेदारी नहीं बनती कि आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि सोशल डिस्टेंस को मेंटेन किया जाए? और सांबा में किस तरह से केसेस लगातार बढ़ रहे हैं? सर सबसे पहले होता है कि जान से प्यारी कोई चीज़ नहीं होती है, जान से ऊपर कुछ नहीं है, तो इसलिए मैं यही कहना चाहता, अभी आप देख लो खुद कैसे ये सोशल डिस्टेंसिंग है, सोशल डिस्टेंस पॉसिबल नहीं है इस तरीके से। अगर ऑनलाइन जल्दी मिल जाता 2-3 दिनों में तो सोशल डिस्टेंस ऑटोमेटिकली बन जाता। बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि अभी देखो, अभी आप खुद इधर देख सकते हो कि है सोशल डिस्टेंस, कोई सोशल डिस्टेंस इधर फीस जमा, और ये एक काउंटर है, एक काउंटर में अभी इतनी धूप पड़ रही है, कौन खड़ा होगा इधर? देखो बिल्कुल, ये सारा कारण। चलिए तो यहाँ साफ तौर पर कहना है जो यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाने के लिए आए हैं, ऑनलाइन का दावा झूठा साबित होता नजर आ रहा है, क्योंकि अगर ऑनलाइन बन भी रहा है तो उसमें काफी ज्यादा वक्त लग रहा है और वो वैलिड तब तक नहीं होगा जब तक उस पर स्टैंप और सिग्नेचर नहीं होंगे। लेकिन स्टैंप और सिग्नेचर के लिए भी जो अधिकारी हैं वो टाल मटोल करते हुए नजर आ रहे हैं, और यही वजह है कि यहाँ पर भारी रश जो है वो पड़ता जा रहा है तहसील ऑफिस में। और यहाँ पर आप साफ तौर पर देखें कहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो रही है, कहाँ 2 गज की दूरी आपको नजर आ रही है, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि अगर 2 गज की दूरी का पालन करेंगे तो आप कोरोना वायरस जैसी इस महामारी से बचेंगे, लेकिन धज्जियां उड़ाई जा रही हैं साफ तौर पर। और यहाँ पर एक भी व्यक्ति जो प्रशासन का हो यहाँ तैनात हो और इस सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करे, ये काफ़ी बड़ा चिंता का सबब बन सकता है, क्योंकि सांबा डिस्ट्रिक्ट में अब जो कोरोना वायरस का विस्फोट हो रहा है, लगातार कई मामले सामने आ रहे हैं और बिना ट्रैवल हिस्ट्री के सामने आ रहे हैं, और यहाँ पर भी अगर हालात कुछ इस तरह से होंगे तो इस पूरी सिचुएशन को संभालना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, और ये एक सीरियस कंसर्न हो सकता है। मैं यहाँ कुछ और लोगों से बात करूँगा। आप कहाँ रहते हैं? आप कहाँ रहते हैं? मैं सांबा में ही रहता हूँ। आप यहाँ पर डोमिसाइल के लिए आए हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो क्या लग रहा है, ऑनलाइन बोला था ना आपके, ऑनलाइन बनेगा और यहाँ पर आने की जरूरत नहीं थी और ना ही सोशल डिस्टेंस की धज्जियाँ उड़ाई जाती, तो ऑनलाइन ही बन रहा क्या? एक्चुअली सर ऑनलाइन का कोई पता नहीं है कब तक ऑनलाइन में आएगा, उसका कोई पता नहीं है, तो इसलिए सब लोग यहीं आ रहे हैं, यहीं आ रहे हैं। हाँ, यानी दिक्कत उसको लेकर है कि ऑनलाइन नहीं बन रहा इसलिए आपको आना पड़ रहा है, लेकिन शायद आप सब लोग ये भूल रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना है। हाँ, वो तो सही बात है, सोशल डिस्टेंस बनना चाहिए, तो इसलिए तो सभी दुख से परेशान है, पहली बात तो ये है, तो इसलिए डिस्टेंस नहीं बना पा रहे हैं, तो देखो अभी ऑनलाइन का तो कोई पता नहीं है। मैं जब से यहाँ पर मौजूद हूँ, मैं जब से ये खबर आपको बता रहा हूँ, खबर दिखाने के बाद भी कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा कि सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करना है, उसके बावजूद भी आप यहाँ पर साफ तौर पर देख सकते हैं कि कितनों ने 2 गज की दूरी बनाई है। तो साफ तौर पर जो फेलियर है वो प्रशासन का भी नज़र आ रहा है, कि दावे किए जा रहे हैं कि सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करना है, और तहसील ऑफिसेज की बात करें डोमिसाइल के लिए रश काफ़ी ज़्यादा पड़ रहा है, और ये रश पड़ेगा ही, क्योंकि हर कोई अब इस प्रक्रिया को जल्द पूरा करना चाहता है, क्योंकि भर्तियाँ भी शुरू हो रही है, चाहे वो JK बैंक की रिक्रूटमेंट हो या फिर फोर्थ क्लास की, जिस तरह से पोस्टें निकल रही हैं, हर किसी युवा को एक चाह रहती है कि वो सरकारी नौकरी करें, उसी को लेकर डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाने के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो ऑनलाइन का दावा था वो झूठा साबित होता नज़र आ रहा है, कि ऑनलाइन बनेंगे, ऑनलाइन बन रहे हैं तो लेट बन रहे हैं, फिर उसके ऊपर स्टैंप और सिग्नेचर नहीं लगाए जा रहे, वो टाल मटोल अधिकारी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर आप सिनेरियो साफ तौर पर देख सकते हैं कि हमारा जो मकसद था खबर दिखाने का, कि सांबा जिला की बात करें तो कई सारे कोरोना वायरस के मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आज 4 महीने से भी ज़्यादा का वक्त हो रहा है इस पैंडेमिक को चलते हुए, लेकिन उसके बावजूद भी शायद लोगों में अभी इसको लेकर अवेयरनेस नहीं है कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया जाए या फिर मास्क पहना जाए। यहाँ पर भी कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने मास्क नहीं पहना, लेकिन हम आज ये बात नहीं करेंगे, ये इनकी फ्यूचर को लेकर सवाल है,
और फ्यूचर की अगर बात करें तो हम सब चाहते हैं कि जितने भी यहाँ युवा आए हुए हैं इनकी नौकरी लग जाए, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग को पालन किसने करना है यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। प्रशासनिक अधिकारियों का फेलियर साफ तौर पर नज़र आ रहा है, कोई भी किसी तरह का बंदोबस्त नहीं किया हुआ यहाँ पर कि कोई यहाँ पर आए सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कराए और या फिर एक व्यक्ति यहाँ पर खड़े हो जाए सैनिटाइज़र उनके हाथ में दे, कुछ भी व्यवस्था नहीं है। और यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर यहाँ से वायरस फैला तो फिर उसको रोक पाना काफ़ी मुश्किल होगा। यही हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ऑनलाइन कहीं ना कहीं झूठा साबित होता दावा नज़र आ रहा है और जो यहाँ पर रश पड़ रहा है वो कोरोना वायरस को बढ़ावा देने वाला नज़र आ रहा है। तो यही हमारा आज खबर दिखाने का मकसद था और मैं ज़िला प्रशासन सांबा के अधिकारियों से विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ, एक अपील करना चाहता हूँ कि जहाँ आप लोग इतना प्रयास कर रहे हैं कोविड 19 को भगाने के लिए, उसे दूर करने के लिए, तो यहाँ पर भी एक नज़र आप मार के देखिए कि यहाँ पर क्या कुछ हालात हैं इस पूरे तहसील ऑफिस में। तो ये तो हो गया, पूरे तहसील ऑफिस की बात करें तो डोमिसाइल के लिए क्या कुछ हालात यहाँ पर बने हुए हैं। मैं पूरे तहसील का आपको एक बारी दृश्य दिखाना चाहता हूँ कि कहाँ कहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग लोग मेंटेन कर रहे हैं। मैं जूम करके कैमरामैन को बोलूँगा कि दिखाया जाए, एक तरफ सामने आप देख सकते हैं किस तरह से वहाँ रश पड़ा हुआ है, सोशल डिस्टेंसिंग नाम की कोई भी चीज़ वहाँ पर नहीं है। और जैसे ही मीडिया का कैमरा आगे जाता है तो जो वहाँ पर पुलिस के जवान मौजूद हैं वो फिर वहाँ से लोगों को तितर बितर करना शुरू कर देते हैं। तो यानी ऑन कैमरा जो लोग हैं वो साफ तौर पर नज़र आएंगे कि सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करेंगे, लेकिन जैसे ही कैमरा आगे पीछे होता है तो यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। तो यही हमारा आज प्रयास था ये पूरी खबर दिखाने का कि आखिर कब लोगों को समझ आएगी, कब प्रशासनिक अधिकारियों को समझ आएगी, या फिर यूं ही ये लोगों को बताने के लिए किया जा रहा है कि हम बड़ा कुछ कर रहे हैं कोरोना वायरस को दूर करने के लिए। तो ये हम अपील करना चाहते हैं एक बार फिर से प्रशासन से कि इसके ऊपर संज्ञान लें, नहीं तो आने वाला वक्त काफ़ी खराब होगा, हालात बद से बदतर हो सकते हैं। फिलहाल के लिए ऋषि कजूरिया कैमरामैन राहुल के साथ जेके मीडिया के लिए।